और तैयारियां किस तरह की लग रही हैं? बिल्कुल सजाया गया है, बलून लगाया गया और ये रंगीन बिल्कुल लोगों का। घंटा ढाई घंटा लग गया, हम तो परेशान हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन की 2:30 बजे से, और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने घर से। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ वोट देने, क्योंकि सुबह से मैं गई नहीं, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, भी बतानिया। तो मैं जा रही हूँ, तो चलो चलते हैं। खाना वाना भी हमारा हो चुका है। मेरी वाली कमीज लेके आना, लाल वाली। सुधांशु खाना खा रहा है, सबसे लेट खाता है, सबसे लेट खाता है खाना। ये दिल्ली से आ रहा है। हाँ, दिल्ली वाले। मेरे को नींद आ गई। यहाँ पे मौसी और माँ जी बर्तन धुल रहे हैं। तो गाइस, बाहर ना धूप लगी हुई है, क्योंकि 2:30 बजे का टाइम है, तो धूप धूप सी है, लेकिन जाना पड़ा। कैसे फोटो आ रखे है गंदी सी। तो हम जाएंगे स्कूटी में, वैसे तो नज़दीक ही है, लेकिन चलते हैं। बोर देते हैं। तो गाइस, पहुंच चुकी हूं मैं पौड़ी बूथ पे, और यहां पे बहुत कम भीड़ है अभी, केवल 4-5 ही मुझसे आगे हैं, और ज़्यादा भीड़ नहीं है। और सुबह ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, माँ जी पापा जी और मेरे हस्बैंड ना आए 2-2.5 घंटे बाद, आए समय तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि 3-4 ही मुझसे आए हैं। तो मेरी काफ़ी जल्दी कुछ कहना चाहोगे आप? नमस्कार भैया, आगे बोर्ड देख के ठीक। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार पोलिंग बूथ इतना सजा धजा है। यहाँ पे बैलून वगैरह और पौड़ी की बोड़ी ऐसे करके यहाँ पे लगा रखे हैं, और फोटो खींचने के लिए भी ऐसे ही लगा रखे हैं, तो काफी अच्छा है। अच्छा, आप माता जी? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, आगे बोर्ड दे के। हाँ, सब बढ़िया। हाँ, ठीक है, अच्छी बात। कुछ जवाब तो दो आप। नहीं ना, वो दीनू जानी जन नंटी जी, कुछ कहना चाहोगे कैमरे के सामने? क्या बोल रहा है आपने? दे दी क्या बोर्ड? जा रहा मैं, हैं जा रहा, बहुत लेट आ रहा है। कहीं भी चले जा तू। तो मेरा नंबर आने ही वाला है, और जैसे ही दो करके जा रहे हैं तो बाहर आएंगे। अब मैं जाने लगी हूँ अंदर, तो मेरा नंबर आ चुका है। और गाइस, ये है सुबह। अच्छा, अभी हुई है 5 मिनट में, लंबी भी है, देख सकते हो। तो इस समय सुबह सुबह गए थे मम्मी, मम्मी जी, पापा जी और मेरे हस्बैंड भी, और सुबह वो आए 2-2.5 घंटे बाद। तो मैं भी पहले पिछली 2 बार में भी ऐसी गई थी सुबह सुबह, काफ़ी भीड़ थी, और इस टाइम तो मैं इसलिए भी नहीं गई। मैंने कहा 2-3 जा रहे हैं सुबह सुबह, तो मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। जब माँ जी लोग आए तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने सोचा अब तो मैं दिन में ही जाऊँगी, तो दिन में कोई नहीं था उस टाइम, दिन में ही चलूँगी। और तैयारियां किस तरह की लग रही हैं? बिल्कुल सजाया गया है, बलून लगाया गया और ये रंगीन बिल्कुल लोगों के स्वागत के लिए, ताकि लोगों को अच्छा लगे वोट करें। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, वोटिंग जो होगी विकास के लिए, विकास की वजह से होगी। आप तो युवा हैं, क्या मुद्दे आप लोग ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे? और जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या बातें ध्यान में रखेंगे? अच्छा, आप लोग बताइए, कोई कहने गया था या फिर खुद आ गए हैं सुबह सुबह? खुद आए। अच्छा, अब चाहते जल्दी से जल्दी जल्दी वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए। आप बताइए क्या ध्यान में रखेंगे वोट करने से पहले? आगे आ जाइए थोड़ा। आप युवा वोटर हैं, आप पहली फर्स्ट टाइम वोटर हैं?
आगे आइए, बात कीजिए हमसे। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अच्छा, तो युवाओं के लिए और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए क्या मुद्दे हैं? अच्छा, गवर्नमेंट तो बन जाती है लेकिन उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। पहाड़ों में लोग वोट कम करने आते हैं, पिछले बार 52% रहा था, इस बार आप लोग संख्या बढ़ाएंगे लगता है? हमारे कॉलेज से इस बार बहुत ज्यादा। तो कुछ जागरूकता अभियान भी चला था एरिया में? अच्छा, उसी का असर शायद ये दिखाई दे रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का, और वोट डालने पर समय से पहले पहुँच गया है। पहाड़ों में ये बहुत कम देखने को मिलता था, परसेंटेज कम होती थी, इस बार बढ़ाएंगे आप लोग लगता है। किन मुद्दों को लेकर मतदान हुआ है? नेशनल सिक्योरिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बाकी थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट से मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। और ये हैं माजी, अब माजी का नंबर आने वाला है। देखिए, काफ़ी देर बाद इंतज़ार करते हुए, काफ़ी एक दो घंटे उन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद नंबर आ चुका है। और ये हैं पापा जी, पापा जी का नंबर भी आने वाला है, तो बहुत अच्छे से आ रहे हैं जा रहे हैं। माजी का नंबर अब आने ही वाला है, पापा जी ने तो दे दी, बोल पापा जी का फ़ोन बाहर नहीं था। और गाइस, मैंने भी दे दी है वोट, तो मैं भी आ रही हूँ, और मैंने बहुत जल्दी दी मैंने वोट, दी नहीं थी। और यहाँ पे हमने फोटो भी ले ली है बॉडी के साथ, और काफी अच्छा सजा हुआ था इस टाइम। तो गाइस, आ गए हम वोट देके। तो गाइस, हमको तो 10 मिनट भी नहीं लगी, 10 मिनट में ही नंबर आ गया था, क्योंकि इस टाइम बहुत कम भीड़ थी। और सुबह जब ये गए थे तो ये बताएंगे 2 घंटे लाइन में, सुबह ज्यादा भीड़ थी। क्या हो गया? सुबह ज्यादा भीड़ थी, और अब देखो मैं जल्दी आई ना, बहुत आए और बड़ी जल्दी आ गए, दस मिनट में जल्दी आए। ये बार नहीं छी ना, काम छाई बार परेशान हो गया, हम लाइन पर अभी चट गए ऐसे टाइम पे जाना चाहिए ना, दिन दिन में जाओ और आओ, सब सुबह के चक्कर बहुत परेशान हो गया। दिल्ली अच्छा है कि पौड़ी? पौड़ी अच्छा है, पौड़ी